मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूंगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूं। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी, जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोम हर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता ऋषि पितृश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जो सुना था उसे मैं आप लोगों से कहता हूं। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूं। विभु अर्थात ब्रह्मा के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में और कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूं। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूं। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगीरा, सविता, मृत्यु, सतकृतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिवृत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरक्षु, अरुणी तथा कृतंजय, तृण, बिंदु, रूक्ष, मुनि, शक्ति, पाराशर, जातुकर्ण्य और साक्षात विष्णु स्वरूप श्रीकृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। वाराह कल्प के वैवस्वत अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूं तथा पुनः औरों से कहूंगा। ऋषि बोले, इस समय आप वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर तथा ऊर्ध कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोम हर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मनु सबसे प्रथम, इसके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विषंग, अविषंग, शबल, वर्णक नाम के मनु हुए। आकार से लेकर औकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालंधु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान हैं तथा ये सभी शुभ हैं। वैवस्वत मनु ऋकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। युगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूं। प्रथम वाराह कल्प के 7वें अंतर में होने वाले योग अवतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूंगा। आद्य में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण,
तथा लोकाक्षी मुनि जैगेश्वर भगवान दधिवाहन ऋषभ बुद्धिमान उग्र अत्रि सुबलक गौतम वेद शीर्ष गोकर्ण शिखंडभूत जटामाली अट्टाहास दारुक लाडली तथा महाकाय मुनि शूली दंडी मुंडीश्वर सहिष्णु सोम शर्मा चल कुलीश नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ व्रती ऋषियों, वैवस्वत मन्वंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के नाम भी कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वरों के चार शिष्य हुए श्वेत श्वेत शिखंडी श्वेत अश्व तथा श्वेत लोहित, ये चार शिष्य हुए। इसके बाद दुंदुभी शत्रुप ऋचिक केतु विशोक विकेश विपाश पाप नाशन शुमुख दुर्मुख दुर्दुम दुरुतिक्रम सनक सनंदन सनातन ऋभु शनत कुमार सुधामा विरजा शंखपाद वैरज मेघ शारस्वत सुवाहन मेघवाहन महाधुति कपिल आसुरी तथा पंच शिखा मुनि महायोगी धर्मात्मा बालकल महातेजस्वी गर्ग भृगु अंगीरा बलबंधु निरामित्र तपस्वी केतु श्रृंग लंबोदर लंब लंबाक्ष लंब केशक सर्वज्ञ संबुद्धि साध्य सर्व सुधामा काश्यप वशिष्ठ विरजा अत्रि देवसद श्रवण श्रविष्टक कुणी कुणबाहु कुशरीर कुनेत्रक कश्यप उपनाश चवन बृहस्पति उतश्यो वामदेव वाचश्रवा शुधीक श्यावाश्व हिरणनाभ कौशल्य लिगक्षी कुशुमी सुमंतु बर्बरी विद्वान कदम्ब कुशिकंधर प्लक्ष वालभ्य यणि केतुमान गोपन भल्लावी मधुपिंग शनेत केतु उशिक बृहदश्व देवल शालिहोत्र अग्निवेश युवनाश्व शरद्वश्व छगल कुंडकर्ण कुंभ प्रवाहक उलूक विद्युत मंडूक आश्वलायन अक्षपाद कुमार उलूक वत्स कुशीक गर्भमित्र कौरुष्य आदि इतने योगेश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल ब्रह्म भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में पारायण हैं तथा सभी पाशुपत हैं सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्र लोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए।